फेसबुक फ्रेंड से की गई दोस्ती 39 वर्षीय महेंद्र वर्मा को इतनी महंगी पड़ने वाली है, ये महेंद्र उर्फ बिंदु ने सोचा भी नहीं था। दरअसल बीती 4 नवंबर को फेसबुक फ्रेंड के साथ शराब पीने की कीमत महेंद्र वर्मा उर्फ बिंदु को अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। दरअसल मृतक महेंद्र उर्फ बिंदु की पंजाब के फिरोजपुर के रहने वाले राजविंदर उर्फ राज से 1.5 साल पहले ही फेसबुक के जरिए दोस्ती हुई थी और यह दोस्ती इतनी गहरी हुई कि राजविंदर उर्फ राज का महेंद्र वर्मा के घर भी आना जाना शुरू हो गया। बस यहीं से शुरू हुई थी दोस्ती और बाद में विश्वास और हत्या की साजिश का सिलसिला शुरू हो गया। पुलिस की माने तो दोनों के बीच किसी फ्लैट को लेकर विवाद की बात भी सामने आई है। वहीं इस मामले में एसीपी शमशेर सिंह की माने तो मृतक महेंद्र वर्मा को 3 गोली मारी गई थी, जिसमें 1 गोली महेंद्र वर्मा के सर में तो 2 गोलियां उसके पेट में मारकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस की माने तो इस हत्या में गिरफ्तार हत्यारोपी राजविंदर पर पहले से ही हत्या का मामला दर्ज है। हालांकि वारदात में शामिल 3 बदमाशों की गिरफ्तारी अभी बाकी है, लेकिन मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा कर कई अनसुलझे सवालों से पर्दा जरूर उठा दिया। उसकी हत्या कर दी गई थी, जो इस संबंध में पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन करते हुए राजविंदर, जो बेसिकली पंजाब का रहने वाला है, उसको अरेस्ट किया गया है और अरेस्ट के बाद जो है उसके पूछताछ के दौरान उसके 3 साथियों के नाम और आए हैं, तो कुल मिलाकर इन 4 व्यक्तियों ने उसकी हत्या की थी और इसमें राजविंदर को गिरफ्तार करके पुलिस रिमांड उसका हासिल किया गया है और बाकी के बारे में भी हमने अलग अलग जो रेडिंग पार्टी है वो तैयार कर दी गई है, भेजी हुई है और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर, काफी पेचीदा मामला था, गुड़गांव पुलिस एक ये ब्लाइंड मर्डर केस था, किस तरह से खुलासा हुआ सर इस पूरे केस का? ये एक जो ब्लाइंड मर्डर केस था, इसमें इंस्पेक्टर दीपक की टीम जो सेक्टर 10 क्राइम यूनिट की है, उसने बहुत अच्छा इस पर काम करते हुए इसको एक अच्छी लीड मिली, जिसमें इसने महेंद्र वर्मा के कातिल राजविंदर, जो पंजाब का रहने वाला, उसको अरेस्ट किया और उससे इस सारे जो एक हत्या का खुलासा हुआ। इसमें जो महेंद्र वर्मा का मर्डर हुआ, उसमें यही सामने आया कि ये एक पहले दोस्त थे और ये राजविंदर उनके घर भी आता जाता था और ये इकट्ठे शराब भी पीते थे और इनका कोई एक फ्लैट के लेकर कोई इशू भी सामने आ रहा है, जिसकी अभी जांच की जाएगी। कैसे इस हत्यारोपी तक पहुंची गुड़गांव? ये एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के आधार पर जो है इस हत्यारोपी को अरेस्ट किया गया और उसके पश्चात इन सभी बातों का खुलासा हुआ। कितने लोग इसमें इस हत्या में कांड में इन्वॉल्व थे सर? अभी तक जो मेन है वो 4 हत्यारोपी इसमें जो है उनके नाम आ रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी के दौरान अगर और किसी की भी कोई साजिश या और किसी की कोई इन्वॉल्वमेंट मिलेगी तो उनको भी अरेस्ट किया जाएगा। कितनी गोलियां मारी गई? ये उसी का जो लाइसेंसी रिवॉल्वर था महेंद्र वर्मा का, उसी से फायर द्वारा इसका कत्ल किया गया था।